स्टूडेंट, माय नेम इज ज्योति अश्वरी। मैं आपकी थर्ड स्टैंडर्ड की हिंदी की टीचर हूँ। आशा करती हूँ आप सब घर पे सुरक्षित होंगे। तो आज से हम लोग थर्ड स्टैंडर्ड की पढ़ाई शुरुआत करेंगे। शुरू करने से पहले हम लोगों ने जो सेकंड स्टैंडर्ड में लेटर सीखे थे टू गिव, जिसे हम कहते हैं वर्णमाला, तो वो आज हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे। थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आप लोगों ने सेकंड स्टैंडर्ड में डबल लाइन नोटबुक में लिखा था, लेकिन आपको थर्ड स्टैंडर्ड से सिंगल लाइन नोटबुक है। तो सिंगल लाइन नोटबुक में कैसे लिखते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। देखो, टीचर ने सिंगल लाइन ड्रॉ की है। सिंगल लाइन में कैसे लिखते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे ऊपर टीचर ने लिखा है वर्णमाला। वर्णमाला के दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। उसमें से आज हम स्वर देखेंगे। स्वर अ से अहा। स्वर कहाँ से कहाँ होते हैं? अ से अहा। स्वर कहाँ से कहाँ होते हैं? अ से अहा। अभी देखो, टीचर ने यहाँ पे ये लेटर लिखे ना, तो नीचे वाले लाइन को टच नहीं किया है और ऊपर वाले लाइन को टच कर लिखे। आपको भी यह लेटर इसी तरह लिखने, यानी ऊपर वाले लाइन को टच कर लिखना है, नीचे वाले लाइन को टच नहीं करना है। तो स्वर क्या है? अ से अहा। स्वर में फर्स्ट लेटर कौन सा है? अ। सेकंड लेटर है आ। लेटर लिखते समय दोनों लेटर के बीच डिस्टेंस होना चाहिए। ई ई, इसे कहते हैं छोटी ई और इसे कहते हैं बड़ी।
ये आपके हो गए क से लेके ग तक के व्यंजन। क ख ग घ ङ स छ ज ज ण ट ठ ड ध न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह क्ष त्र ज्ञ। ये आपके हो गए क से ज्ञ तक के व्यंजन। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो आज हमने सीखा है वर्णमाला जो अ लेटर से लेके ज्ञ लेटर तक होती है। आपको यह वर्णमाला नोटबुक के फर्स्ट पेज पे लिखना है और पेंसिल से लिखना है। धन्यवाद।